प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रमुख सचिव ने प्राणी उद्यान केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया तथा जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर उनका दीदार किया, जिसके संबंध में प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्राणी उद्यान को बहुत अच्छा बनाया गया है। यहाँ पर जानवरों के रख रखाव की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर 2000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी जू प्रशासन की है। उन्होंने कहा, प्राणी उद्यान में अलग अलग जानवर हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे यहां आकर जानवरों को देखने का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर DFO विकास कुमार, CDO संजय कुमार मीना, SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने कहा, उसको पानी डलवा देने के लिए, उसको फूल बना रखा था उसमें, फूल है उसमें बैठता भी। अच्छा, रैप अप करके ना निकले। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा है। और यहाँ जैसा DFO साहब बता ही रहे हैं, डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि करीब 2000 वृक्षों का पौधारोपण आज किया जाएगा, तो इसकी ज़रूरत है। अभी जब ये बड़े हो जाएंगे तो काफ़ी छायादार हो जाएगा और सभी के लिए सुविधा भी रहेगी। सर, जू का कैसा रहा आपका अनुभव? निरीक्षण किया आपके द्वारा, जानवरों को भी देखा गया आपके द्वारा? अच्छा है, तरह तरह के जीव जंतु हैं और उससे खासकर बच्चों के लिए तो काफ़ी मनोरंजक है और ज्ञानवर्धक भी है। वो आएंगे और देखेंगे।